Hey guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today I'm going to tell you how to score above 150 in physics and how to keep physics as your strong subject 11th sale, right? So my own personal score was 154 in physics. Usme bhi maine ek do OMR mein galti kar di thi, warna above 160 aaya hota score. So the first point is you have to decide a book. ठीक है, अब बुक में यार तीन टाइप्स होते हैं. वन इज अ कंपल्सरी बुक एंड दैट इज द PYQ वाली बुक, राइट? PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब तुम कहोगे यार मैम पैकेज में भी तो दिए होते हैं पीछे PYQs. नहीं, तुम्हें PYQ की एक अलग बुक लेनी है जो तुम्हें सॉल्व करनी है. पैकेज में दिए हुए हैं तो वो भी करो एंड अलग बुक भी करो. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड इफ यू आस्क मी फॉर बुक सजेशंस, आई वुड प्रोबेबली से MTG, ठीक है, बिकॉज मैंने यार वही यूज की थी एंड इट इज अ गुड बुक. सो यू कैन यूज वो 30 ईयर वाले जो पेपर होते हैं, 32-33 ईयर वाले जो बुक होती है MTG की, यू कैन यूज दैट, राइट? अलॉन्ग विद दैट देन देयर इज अ मेन बुक. अब मेन बुक में तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं, ईदर यू कैन हैव फिंगर टिप्स, ठीक है, या फिर अगर तुम किसी भी कोचिंग में जाते हो तो जो उस कोचिंग का पैकेज होता है ना, दैट हैज टू बी योर मेन बुक, राइट? वो तुम्हारी होगी मेन बुक जो तुम अच्छे से तुम्हें सॉल्व करनी है. इधर इट कैन बी आकाश एलन फिजिक्स वाला और किसी भी जगह के पैकेज, और मे बी यू कैन हैव NCERT फिंगर टिप्स, राइट? एंड देन देयर इज अ रेफरेंस बुक. अब रेफरेंस बुक कैन बी SL अरोड़ा और HC वर्मा, ठीक है. आई फाउंड SL अरोड़ा अ लिटिल बेटर, बट दैट्स अप टू यू. HC वर्मा इज ऑल्सो अ गुड बुक, बट ये रेफरेंस बुक्स हैं. रेफरेंस बुक का क्या मीनिंग होता है, तुम मेन बुक सॉल्व करोगे अच्छे से, ठीक है, कंपल्सरी बुक तुम सॉल्व करोगे अच्छे से, एंड रेफरेंस बुक इज द बुक यू रेफर टू फॉर वीक टॉपिक्स. अगर तुम्हारा रे ऑप्टिक्स में कोई थोड़ा सा पार्ट वीक है, वो तुम रेफरेंस बुक से करके उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, राइट? सो रेफरेंस बुक इज जस्ट फॉर वीक टॉपिक्स. यू डोंट हैव टू सॉल्व देम कम्प्लीटली. HC वर्मा पूरी की पूरी नहीं सॉल्व करनी होती, बस जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक है उनके लिए रेफर करनी होती है, राइट? नाउ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला शीट्स. यार सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, प्लीज मेक योर ओन फॉर्मूला शीट्स, डू नॉट कॉपी देम फ्रॉम एनीवेयर. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन फॉर्मूला शीट्स ऑन हाउ टू मेक देम एक्सेट्रा, ठीक है, यू कैन वॉच दैट. उसमें मैंने अपने भी फॉर्मूला शीट्स दिए हैं, बट दैट इज वेन बिल्कुल एंड वाला मोमेंट है और तुम्हारे पास एक भी फॉर्मूला शीट नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया, तो रेफर करना. बट उसके अलावा यार खुद बनाओ फॉर्मूला शीट्स. कहाँ से बनाओगे? जो मेन बुक रेफर कर रहे हो, पैकेज प्लस योर नोट्स, ठीक है, उससे बनानी होती है फॉर्मूला शीट्स. फॉर्मूला शीट्स का मतलब ये नहीं होता 50 पेज की बना दोगे, छोटी छोटी बनानी होती है, बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखते हुए, ठीक है, उसमें फालतू की थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखना होता, राइट? ऑल्सो वन मोर थिंग, वो जो फॉर्मूला शीट जब तुम बनाओगे, प्लीज लीव ब्लैंक स्पेसेस इन बिटवीन, ताकि इनकेस यू डू अ टेस्ट उसमें नया फॉर्मूला मिले या नई ट्रिक मिले, सो यू कैन कीप एडिंग दैट ऑन, राइट? एंड फॉर्मूला शीट्स का यूज क्या है यार, एंड में रिविजन फॉर्मूला शीट से ही करनी है. अगर कल तुम्हारा FTE, AITS कोई भी पेपर है, उससे पहले तुम्हें फॉर्मूला शीट ही पढ़ के जानी है, राइट? सो फॉर्मूला शीट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी पेपर से पहले वही रिवाइज करके जानी होती है और क्वेश्चंस लगा के जाने होते हैं, राइट? सो प्लीज कीप मेकिंग फॉर्मूला शीट्स अलॉन्ग विद योर थ्योरी क्लासेस, ठीक है? नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. यार देखो, निशान सर हमें ये कहते थे दैट 50 इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है. 50 क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही करने हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसके यार 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट लगाओ ही लगाओ. 100 क्वेश्चन इज द नॉर्मल, अगर तुम कर सकते हो ग्रेट, बट 100 से ऊपर मत जाना. वाई? बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से फायदा नहीं होता, वही क्वेश्चन रिपीटेडली करने से फायदा होता है, राइट? क्वेश्चंस की रिविजन से फायदा होता है. जो क्वेश्चन गलत हुआ, जिसको तुमने स्टार मार्क कर रखा है, स्टार मार्क क्वेश्चन जितनी बार सॉल्व करोगे वापस, उससे फायदा होता है. So, 50 इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, इतना तो करना ही है, उससे ज्यादा 100 तक चले जाओ, ठीक है. 100 इज द नॉर्मल. अगर तुम रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो फिजिक्स के, बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट? बट 50 तो मिनिमम है, करने ही करने हैं, नो मैटर वॉट. यार तुम्हें 50 क्वेश्चन करने में ना हार्डली 1 घंटा लगेगा. 1 घंटा तो तुम फिजिक्स को दे सकते हो, राइट? एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम वेयर टू डू फिजिक्स की थ्योरी. देखो यार, आई वुड प्रॉबेबली से फॉर फिजिक्स की थ्योरी रेफर टू योर नोट्स. जिस भी कोचिंग में तुम जाते हो, जहां भी जाते हो, ट्यूशन वगैरह, उसके जो नोट्स तुमने बनाए हैं, स्कूल के जो नोट्स हैं, वो रेफर करो, ठीक है. या फिर जो तुम्हारी मेन बुक है उसको रेफर करना है. रेफरेंस बुक को रेफर नहीं करना थ्योरी के लिए,
ठीक है, मेन बुक जैसे आकाश के पैकेज वगैरह हो गए, देखो जो भी टॉपिक चल रहा होता है ना उसके साथ साथ मेन बुक की थ्योरी पढ़ लो, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, वर्क एनर्जी चल रहा है, रोटेशन चल रहा है, साथ साथ में पैकेज जो है या फिर जो भी तुम्हारे पास बुक है या ट्यूशन के कुछ नोट्स हैं वो साथ साथ में पढ़ते रहो, ठीक है। बट पेपरों से पहले वो नहीं पढ़ना होता, दैट इज जस्ट अ वन टाइम रीडिंग फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो एक बार वहां से थ्योरी कर लो एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट कर दो, पेपर से पहले या तो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लो या फिर आई वुड प्रोबेबली से मेक गुड नोट्स ताकि तुम थ्योरी अपने नोट से कर पाओ। फिजिक्स की एनसीईआरटी में से पूरी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना। What else can you refer for physics के theory? देखो from Telegram you can either download the notes, जैसे physics वाला वगैरह के, आकाश के भी notes यार हर जगह से download हो जाते हैं, या तो वो download कर लो, या फिर maybe you can refer to जो भी एस एल अरोड़ा एच सी वर्मा की थ्योरी। I found एस एल अरोड़ा बेटर फॉर चैप्टर्स यूर वीक इन, उसके लिए तुम एस एल अरोड़ा की थ्योरी एक बार पढ़ सकते हो, बट दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तुम नोट से ज्यादा बेटर कर लोगे और ज्यादा जल्दी कर लोगे। ऑलराइट, नाउ What to do with physics की NCERT? पूरी थ्योरी पढ़नी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना है? देखो यार, फॉर फिजिक्स NCERT सबसे पहले तो तुम्हें पूरी रीडिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक एक लाइन फिजिक्स NCERT की नहीं पढ़नी, थ्योरी नहीं पढ़नी। थ्योरी किन चैप्टर्स के लिए पढ़नी है? रे ऑप्टिक्स हो गया, उसके लिए थ्योरी पढ़ो, डुअल नेचर के लिए पढ़ो, एटम न्यूक्लियाई के लिए पढ़ो, सेमी कंडक्टर्स के लिए पढ़ो। दीज आर फ्यू ऑफ द चैप्टर्स जिनकी तुम्हें थ्योरी पढ़नी है, वो भी एक बार, ठीक है। फिजिक्स की एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने बैठोगे ना, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तुम्हें एक पूरा दिन लग जाएगा एक चैप्टर करने में, राइट। सो एक एक लाइन फिजिक्स की एनसीईआरटी की नहीं पढ़नी है, सिर्फ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए रेफर करना है। एंड व्हाट टू डू अबाउट द क्वेश्चंस? देखो यार, इन क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइजेस में एडिशनल तो बिल्कुल मत हाथ लगाना, स्पेशली फॉर नीट के लिए तो इट मेक्स नो सेंस, डू नॉट इवन टच द एडिशनल एक्सरसाइजेस। जो नॉर्मल बैक एक्सरसाइजेस होती है ना वो यू कैन सॉल्व, कब सॉल्व करोगे? जब स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, जब मिड टर्म्स वगैरह होते हैं, तो उनमें ना वही क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइम अगर तुम बैक एक्सरसाइज एक बार सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें पेपर में भी फायदा रहेगा एंड तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी हो गई। ऑल्सो इन केस तुम्हें एनसीईआरटी फिजिक्स की एनसीईआरटी से कुछ अच्छा पढ़ना है तो तुम समरी पढ़ो, ठीक है। समरी और जो फॉर्मूला वाला एक बॉक्स दिया होता है जिसमें यूनिट्स वगैरह भी दी होती है वो पढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन दी थ्योरी समरी पढ़ो और वो फॉर्मूला वाला बॉक्स पढ़ो। बैक एक्सरसाइज पेपर से पहले, स्कूल के पेपरों से पहले अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो कर लो, अदरवाइज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट एडिशनल एक्सरसाइज तो बिल्कुल टच मत करना यार, अ टोटल टाइम वेस्ट। एंड नाउ अ बोनस पॉइंट, या देखो फिजिक्स इज नॉट अबाउट सॉल्विंग 400 क्वेश्चंस पर डे, इट इज मोर अबाउट रिवाइजिंग 100 क्वेश्चंस पर डे, ठीक है। सिर्फ बायो में रिविजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिविजन इज इम्पॉर्टेंट इन फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो जो स्टार मार्क क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन में तुम्हें टफ लग रहे हैं, ठीक है, और एक दिन में 500 क्वेश्चन करने से बेटर है 100 क्वेश्चन जो कर रहे हो उनको रिवाइज करके सो, वो फॉर्मूला वापस पढ़ के सो। सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, एंड अलॉन्ग विद दैट लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या देखो, आई डिड दिस मिस्टेक, इट इज मच ईजियर कि पीछे तुमने क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन देख लिया और याद कर लिया कि अच्छा ऐसे होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता, दैट इज अ टोटल टाइम वेस्ट, ठीक है। जब तक तुम लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, कैलकुलेशंस खुद नहीं करोगे, देयर इज नो यूज, ठीक है। सो यू हैव टू डू ऑल दी कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन चाहे यार 10 करो दिन के, अगर तुमसे 50 भी नहीं हो रहे सॉल्व, 10 क्वेश्चंस अ डे, लेकिन पूरी कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करो, लिख लिख के सॉल्व करो। डू नॉट रीड क्वेश्चंस इन फिजिक्स, इट इज अ टोटल टाइम वेस्ट, राइट। लिख लिख के सॉल्व करो, कैलकुलेशंस करो, डू नॉट थिंक कि अच्छा कैलकुलेट तो हो ही जाएगा पेपर में कर लूंगी। तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस करोगे उतनी फास्ट होगी पेपर में और उतना तुम्हारा टाइम बचेगा एक्चुअल नीट के पेपर में। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड या थैंक यू।